थर्ड चैप्टर है आपका सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। सो ट्रीट योर पासवर्ड लाइक योर टूथब्रश, डोंट लेट एनीबॉडी एल्स यूज इट एंड गेट अ न्यू वन एवरी सिक्स मंथ्स। तो क्लिफ फोर्ड स्टोल का एक कंपैरिजन है कि जो हमारी पासवर्ड्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर के पासवर्ड हो या ऑनलाइन सोशल मीडिया अकाउंट्स के या ईमेल अकाउंट्स के पासवर्ड हो, उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, जैसे हम अपनी टूथब्रश को करते हैं। जैसे हम अपनी टूथब्रश किसी से शेयर नहीं करते, ऐसे पासवर्ड भी शेयर नहीं करना चाहिए और हर 6 महीने बाद पासवर्ड को बदल देना चाहिए। ठीक है, तो जितना पुराना पासवर्ड होगा उतना उसका चांस है कि वो लीक हो सकता है ना। इसी तरह से टूथब्रश से पुरानी हो जाती है तो वो खराब हो जाती है, ऐसे पासवर्ड भी खराब हो जाता है पुराना होने पे, तो 6 महीने बाद बदल देना चाहिए और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो क्लिफोर्ड स्टोल की इन पंक्तियों के साथ हम शुरू कर रहे हैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ योर डिवाइस एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट थ्रेट्स एंड प्रिवेंशंस, मालवेयर्स, एंटीवायरस, स्पैम, एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस, डिफरेंस बिटवीन देम, फायरवॉल, कुकीज, हैकर्स एंड क्रैकर्स, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स। सो एक तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बल्कि रियल लाइफ में हम आईसीटी का यूज कैसे करें उसके लिए भी जरूरी है। तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा थ्रेट्स से आप क्या समझते हैं, प्रिवेंशन कौन कौन सी होनी चाहिए, और मालवेयर क्या है, एंटीवायरस क्या है, स्पैम क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में, फायरवॉल किसको बोलते हैं, कुकीज क्या होती है, हैकर्स और क्रैकर्स में क्या डिफरेंस है, और नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या है। तो इसमें से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन, क्या क्या खतरे हैं हमें हमारी सिक्योरिटी को, हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी को, या हमारे जब हम नेटवर्क से जुड़ते हैं उस समय क्या क्या थ्रेट्स हैं सिक्योरिटी को, और हम कैसे उससे बच सकते हैं, प्रिवेंशन। सो बीइंग अलोन इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन फॉर एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप अकेले रहते हैं, किसी और से घुलते मिलते नहीं है, तो वही एक आइडियल सिचुएशन है कि आप ज्यादा सिक्योर हैं। लेकिन इट अप्लाइज टू कंप्यूटर्स एज वेल। अगर आपका कंप्यूटर नेट से नहीं जुड़ा है या किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, या उसमें कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस इंसर्ट नहीं की जाती, तो वो भी ज्यादा सिक्योर है, फिर उसकी सिक्योरिटी को खतरा ही नहीं है। सो ए कंप्यूटर विद नो लिंक टू एन एक्सटर्नल डिवाइस, और कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम द सिक्योरिटी थ्रेट्स अराइजिंग अदरवाइज। तो अगर वो उससे कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट नहीं की जाती या उसको नेटवर्क से नहीं जुड़ा जाता, तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। However, it is not an ideal solution for a human being or a computer to stay aloof in order to mitigate any security threat. तो किसी व्यक्ति के लिए या किसी कंप्यूटर के लिए ये एक आदर्श सिचुएशन नहीं है कि वो नेटवर्क से अलग रखें उसको, या कोई उसमें एक्सटर्नल डिवाइस पेन ड्राइव वगैरह ना लगाएं। So as the world at present is on its way to become fully connected. जैसे कि हमारी दुनिया लगातार कनेक्टेड हो रही है, और हमारा सिस्टम कनेक्टेड ना हो या हम दुनिया से कनेक्टेड ना हो, तो ये एक आदर्श स्थिति नहीं है। सो दिस कनेक्टेडनेस ऑफ वेरियस डिवाइसेस एंड कंप्यूटर हैज ब्रॉट इनटू आवर फोकस द वेरियस नेटवर्क थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन। तो कनेक्टेड या जुड़ने की जो प्रक्रिया है, जो जुड़ने का आजकल नेटवर्क हमारा बढ़ता जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि कोई भी हमारे दूसरा जो नेटवर्क में जुड़ा हुआ है हमारे सिस्टम तक एक्सेस उसकी हो सकती है, तो उससे नेटवर्क थ्रेट्स क्रिएट होते हैं, और कैसे उससे बचना है ये इन चीजों की जानकारी होना भी जरूरी है। सो नेटवर्क सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्शन ऑफ आवर डिवाइस एज वेल एज द डेटा फ्रॉम इललेजिटिमेट एक्सेस और मिसयूज। तो मिसयूज से अपने डेटा को बचाना है, अपने डिवाइस को बचाना है। तो थ्रेट्स इंक्लूड्स ऑल द वे इन विच वन कैन एक्सप्लॉइट एनी वल्नरेबिलिटी और वीकनेस इन अ नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू कॉज हार्म और डैमेज वंस रेपुटेशन। तो हमारा डेटा लीक करके हमारी रेपुटेशन को हार्म कर सकते हैं, या हमारी डिवाइस को हार्म कर सकते हैं, हमारे डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो उस तरह का एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को या हमारे डेटा को चेंज कर सकता है, उसमें से एक है मालवेयर। तो एक तो जो माल वर्ड आ रहा है वो मैलिशियस के लिए और वेयर सॉफ्टवेयर के लिए। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके साथ मैलिशियस कोड लिखा जाता है, यानी कोई कोड ऐसा लिखा है जो आपके कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए, आपके कंप्यूटर के डेटा को स्टोल करने के लिए ही लिखा गया है, उसको क्या बोलते हैं, मालवेयर। सो मालवेयर इन शॉर्ट टर्म यूज फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ पे देखो किस तरह से लिखा है, MAL को कैपिटल किया मैलिशियस का,
सॉफ्टवेयर का वेयर किया, तो इसमें से ये मैलवेयर बना है। सो इट इज एन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विद एन इंटेंशन टू डैमेज हार्डवेयर डिवाइसेस, स्टील डेटा और कॉज एनी अदर ट्रबल टू द यूजर। सो वेरियस टाइप ऑफ मैलवेयर हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड लार्ज स्केल डैमेज हैज बीन inflicted. Many of these malware programs have been identified and counter measures have been initiated. तो जैसे ही पता चलता है कि ऐसा malware बन गया है, तो उससे बचाव के लिए एक antivirus बना लिया जाता है। लेकिन फिर वो malware बनाने वाले देखते हैं, अच्छा ये इस coding को लिखकर ये हमारे virus को रोक रहे हैं, तो फिर वो नई coding लेकर आ जाते हैं और ये process चलती रहती है। यानी जो दुष्ट प्रवृत्ति के computer की knowledge रखने वाले लोग हैं, वो मैलिशियस कोड लिखते रहते हैं और उससे बचाव के लिए कुछ अच्छे लोग एंटीवायरस भी लिखते रहते हैं और ये प्रक्रिया अच्छाई और बुराई की लगातार चलती रहती है। सो हाउएवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर कीप्स ऑन कमिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस दैट कंप्राइज कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड कॉज इंटेंजिबल डैमेजेस। इंटेंजिबल मतलब ऐसा नहीं है कि आपके हार्डवेयर का स्क्रीन तोड़ के चला जाएगा वायरस। हार्डवेयर को इंटेंजिबल है मतलब बिना टच किए, है ना, बिना फिजिकल टच किए ही सॉफ्टवेयर से आपके सॉफ्टवेयर को ही डैमेज कर जाएगा वो, है ना, आपके डेटा को चोरी कर लेगा या उसको चेंज कर देगा। सो बिसाइड ईच ईयर द मालवेयर इनकर्स फाइनेंशियल डैमेजेस वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर वर्ल्ड वाइड। जैसे बैंक के खाते में से आपके खाते में कितने पैसे हैं, उसमें से अमाउंट निकाल लिया गया, तो सिस्टम थोड़ी हार्डवेयर डैमेज थोड़ी हुआ, वो सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया, डेटा को चेंज कर दिया। तो इस तरह से फाइनेंशियल डैमेजेस करोड़ों अरबों डॉलर्स के पूरे विश्व में हुए हैं मालवेयर के थ्रू। सो वायरसेस, बॉम्ब्स, रैंसमवेयर, ट्रोजन्स एंड स्पाईवेयर आर सम ऑफ द काइंड ऑफ मालवेयर। तो मालवेयर का मतलब क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें पांच तरह के सॉफ्टवेयर बताए उन्होंने, वायरस, एक वायरस सॉफ्टवेयर है, एक बॉम्ब्स है, एक रैंसमवेयर है, एक ट्रोजन है, एक स्पाईवेयर है। यानी हमारे डेटा की को या तो ये डैमेज करते हैं या चेंज करते हैं या इसकी जासूसी करते हैं, चोरी करके कहीं और तक इसको ले जाते हैं। तो अलग अलग तरह के ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह का काम करते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम करता है उसी क्रम में पहला आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर है वायरस, कंप्यूटर वायरस उसको बोलते हैं। जैसे बोल रहे हैं अभी COVID-19 का भी एक वायरस है ना, तो यहाँ पर वायरस क्या है, वो जीवित विषाणु नहीं है, जीवित अलाइव वायरस नहीं है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर का कोड है, है ना। सो द टर्म कंप्यूटर वायरस वाज कॉइन्ड बाय फ्रेड कोहेन इन 1985। ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि पहली बार कंप्यूटर वायरस वर्ड को किसने प्रचलन में लाया था, तो फ्रेड कोहेन ने कंप्यूटर वायरस नाम यूज किया था। हैज बीन बोरोड फ्रॉम द वायरोलॉजिकल साइंस विद ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग एंड बिहेवियर। द ओनली डिफरेंस इज दैट द victim is a computer system and the virus is a malicious software. तो जो वायरस होता है वो एक malicious software होता है और जो वायरस जिसको लगता है वो कंप्यूटर का सिस्टम होता है, कोई कंप्यूटिंग डिवाइस होती है। ये वायरस इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड क्रिएटेड टू परफॉर्म malicious activities and hamper resources of a computer system like CPU, time, memory, personal files and sensitive information. So mimicking the behavior of biological वायरस, जैसे बायोलॉजिकल वायरस जिस काम को करता है उसी तरह का व्यवहार, उसी के अनुरूप व्यवहार करता है हमारा कंप्यूटर वायरस। द कंप्यूटर वायरस स्प्रेड ऑन कॉन्टैक्ट विद अनदर सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में वायरस आ गया है, उसमें से किसी ने पेनड्राइव से डेटा लिया, उसके साथ वायरस चला जाएगा और आपने दूसरे कंप्यूटर में लगाया, वहां पर वो वायरस दूसरे सिस्टम को भी इन्फेक्ट कर देगा। तो ये कंप्यूटर वायरस इन्फेक्टेड अदर कंप्यूटर सिस्टम दैट इन कम इनटू कॉन्टैक्ट्स विद बाय कॉपिंग और इंसर्टिंग इट्स कोड इनटू द कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट इज एक्सिक्यूटेबल फाइल्स। वायरस रिमेंस डोरमेंट ऑन अ सिस्टम एंड इज एक्टिवेटेड एज सून एज इन्फेक्टेड फाइल इज ओपनड बाय द यूजर। तो अगर आपके सिस्टम में वायरस आ गया है, जैसे ही वो जिस फाइल के साथ आया है उस पर आप क्लिक करते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर की लाइन है मैलिशियस सॉफ्टवेयर की, वो एग्जीक्यूट हो जाती है और फिर वहां पे वायरस आपके सिस्टम में डैमेज करना शुरू कर देता है। तो वायरसेस बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द रीजन एंड मोटिवेशन बिहाइंड देयर क्रिएशन। तो अलग अलग तरह के वायरस अलग अलग तरह से बिहेव कर सकते हैं, जैसी उनकी कोडिंग लिखी गई है जिस काम के लिए। एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इंटेंशंस और मोटिव्स बिहाइंड वायरसेस इंक्लूड द स्टीलिंग पासवर्ड और डेटा। तो ज्यादातर वायरस बनाने वाले लोग किस लिए वायरस बनाते हैं,
कि आपके डेटा को चुराने के लिए, आपके पासवर्ड को चुराने के लिए, आपकी फाइल को करप्ट करने के लिए और स्पैमिंग द यूजर्स ईमेल कॉन्टैक्ट। एंड इसका मतलब क्या है, स्पैमिंग का मतलब आपके ईमेल में बहुत सारे अनवांटेड ईमेल्स बहुत लार्ज नंबर में आ जाएंगे, उसको बोलते हैं स्पैम। एंड इवन टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर यूजर्स मशीन एंड सम वेल नोन वायरसेस इंक्लूड्स क्रिप्टो लॉकर, आई लव यू वायरस, माई डूम वायरस, सेसर एंड स्काई वायरस, स्लैमर, स्टकनेट, ये बहुत सारे वायरस जिन्होंने काफी नुकसान किया था वो इसलिए पॉपुलर हुए ये वायरस। इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला मैलिशियस सॉफ्टवेयर था वायरस। तो वायरस कैसे आता है, अगर आपके किसी सिस्टम में वायरस आ गया है तो वो उसकी पेनड्राइव दूसरे में लगाने पर उस सिस्टम को भी इन्फेक्ट कर देगा। और किस लिए बनाए जाते हैं वायरस, आपका डेटा, तो डेटा चुराने के लिए, आपका पासवर्ड चुराने के लिए या आपकी मशीन का कंट्रोल हासिल करने के लिए। दूसरा वायरस है, दूसरा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है वॉर्म्स। तो वॉर्म्स आपने बायोलॉजी में देखा होगा, केचुए वॉर्म्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं केचुए को, अर्थ वॉर्म बोलते हैं। हर्षित गौतम और सामवी सौम्या हमेशा जुड़ी हुई है। तो वॉर्म क्या करता है, वो रेप्लीकेट करते हैं अपने कोड को। तो The worm is also a malicious software that incurs unexpected or damaging behavior on an infected computer system. The major difference between a worm and virus is that दोनों में difference है, virus software में और worm software में क्या difference है? Unlike virus, a worm does not need a host program or software to insert its code into. So, CS is पूरी मटेरियल है? नीचे है? किसी को नहीं दिया? दिया नहीं, नहीं रखा हुआ है वहाँ पे? स्टडी मटेरियल आ गया बच्चों, हर्षित और सांभवी सौम्या और बच्चे लेके जा रहे हैं, आप भी ले जाइएगा। सो डिफरेंस का क्या है वॉर्म और वॉर्म में, कि वायरस को जनरेट होने के लिए कंप्यूटर डिवाइस की जरूरत है और वहां से वो किसी डिवाइस के थ्रू दूसरे में चला जाएगा, वहां पे इन्फेक्ट करेगा। लेकिन वॉर्म में ऐसा नहीं है। वॉर्म क्या करता है, एक बार सिस्टम में चला गया तो वो क्या करेगा, वो खुद को रेप्लीकेट करता रहेगा। वॉर्म्स आर स्टैंड अलोन प्रोग्राम दैट आर केपेबल ऑफ वर्किंग ऑन इट्स ओन, एक बार किसी सिस्टम में गया। ऑल्सो ए वायरस नीड्स ह्यूमन ट्रिगरिंग फॉर रेप्लीकेशन व्हेन ए यूजर ओपन्स और एग्जीक्यूट्स द इन्फेक्टेड फाइल। तो अगर दूसरे सिस्टम में वायरस चला भी गया है पेन ड्राइव से, तो जब तक उस इन्फेक्टेड फाइल पर कोई डबल क्लिक नहीं करता वायरस की में, तब तक वो इंस्टॉल नहीं होता। लेकिन वॉर्म में क्या है, जिस सिस्टम में है वो, तो बिना कुछ किए वो अपने अपनी कोडिंग को रेप्लीकेट करता रहता है। सो व्हाइल अ वॉर्म रेप्लीकेट्स ऑन इट्स ओन एंड कैन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू द नेटवर्क। तो एक सिस्टम में क्या करेगा, रेप्लीकेट होगा तो ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता जाएगा, आपकी हार्ड डिस्क को भर देगा और नेटवर्क के थ्रू ये दूसरे सिस्टम में जा सकता है। तो सम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ वॉर्म्स इंक्लूड स्ट्रॉम वॉर्म, सो बिग, एमएस ब्लास्ट, कोड रेड, निमडाइन, मॉरिस वॉर्म्स एटसेट्रा। थर्ड टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर मालवेयर इज रैंसमवेयर। तो रैंसम क्या होती है, फिरौती मांगना, यानी पहले तो आपके सिस्टम का या नेटवर्क का अनऑथराइज एक्सेस ले लिया, उसके बाद उसको रिलीज करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, या कोई डेटा चोरी कर लिया उसको कह रहे हैं कि पब्लिक साइट पर डाल देंगे, उसके लिए ब्लैकमेल करके फिरौती मांगना। तो ऐसे वायरस जो आपके डेटा को स्टील कर लेते हैं, आपके सिस्टम का कंट्रोल ले लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रैंसमवेयर। सो इट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट टारगेट्स यूजर डेटा, इट आइदर ब्लॉक्स द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग देयर ओन डेटा और थ्रेटन्स टू पब्लिश द पर्सनल डेटा ऑनलाइन एंड डिमांड्स रैंसम पेमेंट अगेंस्ट द सेम। Some ransomware simply block the access to the data while other encrypt data, making it very difficult to access. So in May 2017, a ransomware WannaCry infected almost 2 lakh computers across 150 countries. It works by encrypting data and demanding ransom payments in the Bitcoin cryptocurrency. It literally made its victim cry and hence the name is, kya naam tha? WannaCry, hai na? So pay for unlock, इस फिगर से भी पता चल रहा है कि ransomware क्या करता है। Fourth है आपका ट्रोजन, या ट्रोजन horses भी बोलते हैं इसको। ट्रोजन is a fourth type of virus, malicious software, virus नहीं,
वायरस तो अपने आप में मेलिशियस सॉफ्टवेयर का एक टाइप है, तो मैलवेयर का एक टाइप है ट्रोजन हॉर्स. सो सिंस द एंशिएंट ग्रीक कुड नॉट इन्फिल्ट्रेट द सिटी ऑफ ट्रॉय यूजिंग ट्रेडिशनल वॉरफेयर मेथड्स, दे गिफ्टेड द किंग ऑफ ट्रॉय विद अ बिग वुडन हॉर्स विद द हिडन सोल्जर्स इनसाइड एंड इवेंचुअली डिफीटेड देम. पुरानी आपने एक ग्रीक की कहानी सुनी होगी कि राजा एक बहुत शक्तिशाली था, उसको हराया नहीं जा सकता था, तो एक लकड़ी का घोड़ा बनवाया गया और उसमें सेना को छिपा के भेज दिया गया. तो वो उसको गिफ्ट समझ रहे थे और रात को वो सो गए, तो रात में वो सैनिक उस घोड़े में से निकल आए और उस शक्तिशाली देश को उन्होंने पराजित कर दिया था. तो ऐसा ही ट्रोजन हॉर्स में क्या है कि देखने में तो लगेगा वो नॉर्मल या हेल्पफुल चीज लगेगी, ईमेल आएगा कि इस पर क्लिक करिए आपको गिफ्ट मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक वायरस, एक मेलवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा. इसलिए क्या ऐसे क्या बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स, बहरूपिया कह सकते हैं इसको, बहरूपिया मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर. सो बोरोइंग द कंसेप्ट, ट्रोजन इज अ मालवेयर दैट लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर एंड वॉन्ट्स इट ट्रिक्स द यूजर इनटू इंस्टॉलिंग इट, इट एक्ट्स प्रीटी मच लाइक अ वायरस और वॉर्म. सो हाउएवर ट्रोजन डज नॉट सेल्फ रेप्लिकेट और इन्फेक्ट अदर फाइल्स, it is spread through user interaction such as opening an email attachment or downloading and executing a file from the internet. So internet mein bahut sari email ke sath koi file aa gayi, wo aapne download ki, to trojan horse aapke system mein install ho jayega. So some trojans creates backdoors to give malicious user access to the system. Kuch trojans kya karte hain, aapke system mein ka data leak karte rehte hain aur usko dusri jagah pahunchate rehte hain. To last type ka hai aapka spyware, तो नाम से ही पता चल रहा है जासूसी करने वाला software. It is a type of malware that spies on a person or an organization by gathering information about them without the knowledge of user. It records and sends the collected information to an external entity without consent or knowledge of the user. तो spyware usually tracks internet uses data and sells them to the advertiser. They can also be used to track and capture the credit card or bank account information, login and password information or user personal identity. So, naam se iske kaam ka pata chal raha hai, spyware, ek aisa malicious software jo aapke system ki jasoosi karta hai aur aapke system ki information ko bahar bhej deta hai. So, last hai aapka types of malware mein adware. Iske naam se bhi pata chal raha hai, ye ad ki form mein lagatar aapko pareshan karta rehta hai. So, an adware is a malicious software that is created to generate revenue for its developer. तो ये किस लिए बनाया जाता है? जिसने इसको बनाया है उसके लिए ये revenue create करता है. जैसे किसी ने अपने product का एक adware बना दिया, तो वो बार बार विज्ञापन आएगा और आपको दिखाएगा, तो विज्ञापन बार बार आएगा तो उनकी उनको ये रहता है कि लोगों की नजर में बार बार ये सॉफ्टवेयर ये प्रोडक्ट आएगा तो इसकी बिक्री बढ़ जाएगी. So an adware displays online advertisement using pop-ups, web pages or installation screens. Once an adware has been infected a substantial number of computer system, it generates revenue either by displaying advertisement or using pay-per-click mechanism to charge its client against the number of clicks on the displayed ads. So adware is usually annoying but harmless. Halanki ye koi nuksan nahi karta system mein, lekin aapko disturb karta hai, isliye gussa aa sakta hai aapko baar baar wo pop up विंडो आ जाएगी. सो हाउएवर इट ऑफन पेव्स वे फॉर अदर मालवेयर बाय डिस्प्लेइंग अनसेफ लिंक्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स. हालांकि जब ये ऐड दे रहा है तो इसके ऐड में अनसेफ लिंक हो सकती है, तो दूसरों के लिए रास्ता बन सकता है. एक और दिया है यहाँ पर 12.2.7 की लॉगर्स. तो की लॉगर से पता चल रहा है कि आप जो की प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड से उनको कोई लॉग कर रहा है. सो a key logger can either be a malware or a hardware. Hardware bhi ek aisa device bana di gayi hai jo aapke CPU mein laga di jati hai aur fir jo keyboard se aap jo bhi button press karte hain wo pura data usme save hota rehta hai. Aur ye software bhi hote hain aise malicious software bhi hote hain ki aapke software se aapke keyboard se jo bhi button press ho rahi hai wo sara data kahin pe bhej rahe hain. So the main purpose of this malware is to record the keys pressed by the user on the keyboard. A key logger makes logs of daily keyboard uses and may send it to an external entity as well. So in this way, very sensitive and in personal information like password, emails, private conversation, etc. can be revealed to an external entity without knowledge of the user. So one strategy to avoid the threats of password leak by keylogger is to use virtual keyboard while signing into your online accounts from an unknown computer. इसलिए जब आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं
या कोई और काम करते हैं तो वर्चुअल कीबोर्ड भी आते हैं, यानी की आपके सॉफ्टवेयर पर ही एक कीबोर्ड आ जाएगा और वहां पर आप उस स्क्रीन पर ही बटन क्लिक करके उसको यूज करेंगे तो इस की लॉगर वाले मैलवेयर से बचा जा सकता है। तो ये है ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड वर्सेस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। एक तो ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड है, एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। तो एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तो हम नॉर्मली अपने सिस्टम में आ सकता है ना, इस विंडो में फैसिलिटी होती है, लेकिन वर्चुअल ऑनलाइन कीबोर्ड का क्या मतलब है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तो देखो ऐसा दिखता है, ऐसा आपका कीबोर्ड आ गया, लेकिन वर्चुअल ऑनलाइन कीबोर्ड क्या, जैसे इंटरनेट बैंकिंग आप यूज कर रहे हैं तब वो एक वहां पर बन के आ जाएगा कीबोर्ड, तो उस पे पासवर्ड ABCD सब लिखा होगा, उस पे क्लिक करेंगे तो वो वर्चुअल कीबोर्ड होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरह के कीवर्ड होते हैं, इसको यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। और कल हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो कहाँ कहाँ से ये वायरस आ सकता है। तो इंटरनेट से डाउनलोड हो सकता है मालवेयर, डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, स्पाई स्पैम ईमेल से, आपके पास कोई ईमेल भेजा गया है स्पैम की फॉर्म में, वहां पे अटैचमेंट या हाइपरलिंक की फॉर्म में दिया हो, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, आपकी किसी हार्ड डिस्क में अगर वायरस है तो उससे आ सकता है, पेन ड्राइव से आ सकता है, म्यूजिक प्लेयर मोबाइल फोन से भी आ सकता है, और नेटवर्क प्रोपेगेशन, इंटरनेट से या लैन के अंदर अगर एक सिस्टम में वायरस है वहां से कोई फाइल आपने ली है तो वो लैन से भी आ सकता है। तो चार जगह से ये वायरस हमारे पास आ सकता है। और कल हम पढ़ेंगे कैसे लड़ाई लड़े मालवेयर से, कैसे अपना बचाव करें। ठीक है, इसको एक बार रीड करिएगा और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके सर, Stop recording and taking attendance.